फिर कैंसिल हुआ शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का एयर इंडिया टिकट, शिवसेना ने किया सांसद का समर्थन। सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने खुद पर लगे बैन के खिलाफ संसद में रखा पक्ष, सदन में माफी मांगते हुए बैन हटाने और दर्ज मामला वापस लेने की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शिवाजी स्मारक पर किया सवाल, पूछा 3 हफ्ते में बताओ क्यों बनाना चाहते हो 3600 करोड़ रुपए की लागत से शिवाजी महाराज का स्मारक। महाराष्ट्र सरकार ने की सनातन संस्था पर बैन की सिफारिश, केंद्र को सिफारिश भेजने के लिए विधान परिषद में जानकारी। गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने सनातन संस्था पर दिया बयान, कहा गैरकानूनी प्रतिविधि प्रतिबंधन कानून के तहत करना चाहते हैं बैन। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ी रेस से बैन का रास्ता हो सकता है साफ, मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। 2011 में बैन के बाद उठने लगी थी बैलगाड़ी रेस से रोक की मांग, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में उठा मामला। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पत्रकार सुरक्षा कानून मसौदे को दी मंजूरी, बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार रख सकती है विधेयक। पत्रकारों पर हमला रोकने के लिए 2005 से जारी की थी अलग कानून की मांग, मसौदे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पत्रकारों पर हमला होगा गैर जमानती। विधान परिषद में हंगामे के बाद बालासाहेब स्मारक लिए 1 रुपए में जमीन देने का फैसला, विधेयक में संशोधन कर फिर से विचार के लिए भेजा जाएगा विधानसभा में प्रस्ताव। बजट सत्र में विपक्ष का विधानसभा बहिष्कार जारी, किसानों की कर्ज माफी के लिए जारी संघर्ष यात्रा का 15 अप्रैल से शुरू होगा दूसरा चरण। मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती, डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद ले जाया गया था अस्पताल। हॉस्पिटल में परिवार के साथ विनोद खन्ना का फोटो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, बताया गया था गंभीर रूप से बीमार। मुंबई से सटे काशी मीरा में बाइक से आए 2 हमलावरों ने मारी फल विक्रेता को गोली, शख्स की मौके पर मौत। कांदीवली पुलिस स्टेशन इलाके में 60 साल की बुजुर्ग के साथ लूट, पुलिस वाला बनकर आए 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। आईपीएल में पुणे सुपर जॉइंट्स ने किया जीत के साथ आगाज, रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 7 विकेट से दी मात। पुणे को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की थी दरकार, चौथी और 5वीं गेंद में कप्तान स्टीव स्मिथ ने छक्का मारकर दिलाई जीत। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 54 गेंदों पर बनाए तूफानी 84 रन, बने मैन ऑफ द मैच। मैच में धोनी का रन दिखा फीका, 12 गेंदों पर नाबाद 12 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने खेली 34 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी। मुंबई ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर बनाए थे 184 रन, पुणे ने 1 गेंद रहते जीता मैच। पाकिस्तान में दंगल रिलीज नहीं करेंगे आमिर खान, पाक सेंसर बोर्ड ने दिए थे राष्ट्रगान हटाने के निर्देश। मराठी शो तूफान आलमिया में नजर आएंगे अभिनेता आमिर खान, ट्विटर पर टीजर किया शेयर, महाराष्ट्र में जल संकट पर आधारित होगा शो। शाहिद ने शुरू की संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग, फिल्म में पद्मावती के पति का किरदार निभा रहे हैं शाहिद। नीरज पांडे की अगली फिल्म अय्यारी में लीड रोल में होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी, अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। बागी के सीक्वल की तैयारी में जुटे अभिनेता टाइगर श्रॉफ, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए हांगकांग रवाना।